सो पिछले एक साल से वीडियो एडिटिंग करने के लिए मैं एक काफी लो एंड लैपटॉप यूज कर रहा था। इट्स नॉट बैड बट इट्स डेफिनेटली नॉट द बेस्ट एंड स्पेशली हैवी प्रोजेक्ट्स एडिट करते वक्त मुझे सीरियस परफॉर्मेंस इश्यूज नोटिस होते हैं। एक बेसिक नॉर्मल 10 मिनट का व्लॉग एक्सपोर्ट करने के लिए ये लैपटॉप ऑलमोस्ट 1 या 2 घंटे लेता है और उन 1-2 घंटों में मैं यूट्यूब या और कोई एप्लीकेशन खोल नहीं सकता। नॉट ओनली दैट, प्रीमियर प्रो का इस्तेमाल करते वक्त लेट्स से मुझे अगर अपने वीडियो में कोई गाना यूज करना है तो मैं वो गाना डाउनलोड करने के लिए भी एपिडेमिक साउंड या और कोई वेबसाइट खोल नहीं सकता। तो देन आई फाइनली थॉट, यू नो व्हाट, इट्स हाई टाइम मुझे एक नया लैपटॉप लेना चाहिए बिकॉज टाइम इज वेरी प्रेशियस और अगर एक व्लॉग एक्सपोर्ट करने के लिए मेरे 2-2 घंटे जा रहे हैं तो ओवर टाइम वो एड होने वाला है एंड मैं धीरे धीरे आफ्टर इफेक्ट्स भी सीखना चाहता हूँ। सो उसके लिए मुझे सचमुच एक पावरफुल लैपटॉप की जरूरत लगेगी और मेरे बजट को कंसिडरेशन में लेते हुए मैंने शॉर्टलिस्ट किया है द M1 MacBook Air। अब मैंने बहुत सारे वीडियोज देखे, यूट्यूब पे रिव्यूज देखे, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े और देखा कि M1 MacBook Air वीडियो एडिटिंग के टर्म्स में कैसे परफॉर्म करता है एंड वो मेरे सारे रिक्वायरमेंट्स मैच करता है। प्लस M1 Pro के कंपैरिजन में इट्स स्लाइटली चीपर, इसीलिए मैंने एक बार टेक वाले आर्यन को पूछा इफ इट्स अ गुड चॉइस। ही सेड इट्स गुड टू गो। वो कुछ ही देर में मेरे घर पे आ रहा है टू गिव हिज एक्सपर्ट ओपिनियन। सो बेसिकली इशू क्या था, हमने कैंप में स्टोर को कॉल किया, फीनिक्स में स्टोर को कॉल किया, बट अनफॉर्चुनेटली उनके पास ये पर्टिकुलर बेस मॉडल का स्टॉक नहीं था। सो इन द एंड आई वाज एबल टू कॉल अप दिस एजुकेशनल कंसल्टेंट फॉर एप्पल। वो एक सेलर है जो कॉलेज इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप करता है एंड ही वाज एबल टू गेट अस द डिवाइस। सो वी आर नाउ गोइंग टू मीट हिम और हम उनसे वो डिवाइस अभी पिकअप करेंगे अलॉन्ग विद द स्टूडेंट डिस्काउंट। अगर आप एप्पल प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हो, मेक श्योर टू लुक इनटू दिस, आप एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ मनी सेव कर सकते हो इसके साथ। या सो आई थिंक नॉर्मल स्टूडेंट डिस्काउंट से आप 10% बचा सकते हो बट 9% बचा सकते हो, बट क्योंकि ये डायरेक्टली हम एप्पल स्टोर से नहीं ले रहे हैं, वी आर सेविंग व्हाट 6% विच इज स्टिल ओके। सो मुझे कल रात से लग रहा था कि हमें बानेर तक जाना है और बानेर मेरे घर से ऑलमोस्ट 1 घंटा दूर है, बट लकीली आर्यन ने मुझे अभी बताया कि हमें होटल डेक्कन पवेलियन जाना है। तो लेट्स गो। इनवॉइस एंड स्टफ इज figured out, just a security procedure. Hey, but it makes sense. I mean, the product information showed up. Oh, yeah, checked it. Right now? Check it. Yeah. Check it, fine. You can put it in the box. Yeah, wait, see. So you make sure you're taking the right device too. Yeah. ऐसा नहीं होना चाहिए कि डर लगते हैं। सो हम वापस घर आ चुके हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा और स्मूथ एक्सपीरियंस था। बीच में फॉर अ सेकंड मेरा कार्ड नहीं चल रहा था, इसीलिए आई गॉट थोड़ा डर गया मैं, बट मैंने इसको फाइनल अमाउंट जीपे किया, फिर उसने इसका कार्ड इस्तेमाल किया। लेट्स गो अप एंड अनबॉक्स इट। से पहले अगर आप कभी भी एक थर्ड पार्टी सेलर या फिर एक सेकंड हैंड मैकबुक खरीद रहे हो, यू नीड टू मेक श्योर टू गो ऑन टू checkcoverage.apple, लाइक चेक कवरेज एप्पल सर्च कर लेना, उससे एक वेबसाइट आता है, उधर जाके वो डिवाइस का सीरियल नंबर आप प्लीज वेरीफाई कीजिए। दिस विल गिव यू द एग्जैक्ट इनवॉइस डेट ऑफ द डिवाइस। इससे आप वेरीफाई कर पाओगे अगर आपका परचेस लेजिटिमेट है या फिर नहीं, क्योंकि कई बार डिवाइसेस पहले से खुले हुए रहते हैं या फिर किसी को सेल किया रहता है, वो रिटर्न होता है एंड इन सम केसेस दे मेक शिप अ प्रोडक्ट टू यू। मोड की बहुत ज्यादा हल्का है, बहुत हल्का है। This is basically like an iPad but with macOS and a keyboard attached to it permanently. But still, मेरे को एक iPad use करना बहुत पसंद है। Okay then, time to open this. Wow, this is like a dream come true. It's always been a very big dream of mine. YouTube channel जब मैंने start किया था तब मैं Instagram और YouTube पे ऐसे देखता था सब creators, सबके पास एक MacBook था and wow, मैंने अपने parents को 1 भी रुपये के लिए पूछा नहीं। खुद के पैसों से कुछ लेने का सेटिस्फैक्शन बहुत ही ज्यादा अलग रहता है। इट्स टाइम। बट दैट्स द थिंग, अपने पैसों को स्मार्टली ट्रीट करो, अपने सेविंग से खरीदो, आपको ज्यादा खुशी मिलेगी। मैंने फिजूल के खर्चे बिल्कुल नहीं किए, मैंने जो भी खर्चे किया है दोज आर प्योरली फॉर माय यूट्यूब बिजनेस, जैसे ये कैमरा, मेरा आईफोन। अगर आप सोचते हो ये मैकबुक टेक्निकली एक इन्वेस्टमेंट है जो मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए और मदद करेगा, सो सुपर हैप्पी विद दिस परचेस। कल रात को मैं 1 बजे तक अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो देख रहा था जिससे मेरी एक्साइटमेंट डबल हो चुकी है। यस, ओ बाय द वे, आई नो कि ये स्पेस ग्रे नहीं है, मुझे स्पेस ग्रे लेना था बट प्रॉब्लम ये है कि स्पेस ग्रे किसी के पास अवेलेबल नहीं था, ये एक ही कलर था एंड दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मैं मोस्टली एक स्किन लूंगा। आर्यन ने मुझे बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स भेजे कल। आई गेट अ नाइस कार्बन फाइबर ब्लैक स्किन बट लेट्स मेक दिस एपिक। ओह सो सैटिस्फाइंग। थैंक यू। ओह दिस इज वेरी लाइट, मुझे लगा नहीं था। आर्यन फील दिस, ब्रो इट्स
masterpiece. ये मेरे और आर्यन के बीच में ऐसे जोक जैसी चीज है, जब भी ये मेरे लिए और या मेरे साथ कुछ टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए आता है तो फॉर सम रीजन कुछ प्रॉब्लम्स हो जाता है और उन प्रॉब्लम्स की वजह से आई ऑलवेज एंड अप गेटिंग समथिंग गोल्ड. ये भी मेरा जो पुराना आईफोन ऐसी है इसके लिए भी ये आया था, ये भी गोल्ड है. सो इट्स लाइक अ जोक बिटवीन अस. डिजाइन्ड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया. स्टिकर्स भी होते हैं राइट आर्यन? या देयर इज टू स्टिकर्स इनसाइड. या ये आई थिंक एक 30 वॉट चार्जर है राइट, एंड अ यूएसबी सी टू अ यूएसबी सी टाइप ऑफ केबल लैपटॉप चार्ज करने के लिए. बाय द वे जब मैं ये अनबॉक्स कर रहा था बाय चांस और बाय लक एक और पार्सल आया, एंड दिस इज एक्चुअली इसमें तीन चीजें हैं. सबसे पहले एक वायरलेस माउस, एक यूएसबी टाइप सी टू टाइप बी एंड और यूएसबी टाइप सी टू टाइप ए. तो ये अडैप्टर्स है शायद, अडैप्टर्स या केबल्स. सो सबसे पहली बात, द मैकबुक हैज टू टाइप सी एंड इसके वजह से सम ऑफ द टेक्नोलॉजी हैजंट मूव्ड इन दैट डायरेक्शन येट. साकेत के कैमरा पे माइक्रो यूएसबी पोर्ट है, सो द केबल्स दैट वी ऑर्डर्ड इज उनमें से एक है एक यूएसबी सी टू माइक्रो यूएसबी और दूसरा वाला है टाइप सी टू टाइप ए. ये उसके हार्ड डिस्क के लिए. आई थिंक ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है राइट. वो वाओ ब्यूटीफुल. सेटअप करने में आर्यन मेरी मदद करेगा मुझे. मैंने मैक पहले जिंदगी में कभी यूज नहीं किया और आई जस्ट रियलाइज कि मुझे अपने आईफोन से जो भी फुटेज है अभी मैं एयर ड्रॉप कर सकता हूँ सीधा. ऑलराइट लेट्स सेट दिस अप. टैप इट. It's not clicking. Magnetic? It's a वो एक सॉलिड पीस ऑफ ग्लास है. उसके नीचे देयर आर सेंसर्स. या दैट्स ग्लास. फोर्स टच. फोर्स टच. गॉट इट. दैट इज बेसिकली व्हाट इट इज. इट्स कॉल्ड इसे एक फोर्स टच ट्रैकपैड ही बुलाते हैं वो लोग. नील आया है और नील हमेशा मुझसे ज्यादा एक्साइटेड रहता है. Let's see his reaction. It's gonna be good. Excitement. Oh my god. This is a piece of art. Beautiful. Oh, the box. I love my friends. Because we appreciate this. Yes. Neil, you realize you're wearing the same clothes again? Last two videos, same piece of clothing. कुछ कपड़े नहीं है मेरे पास. तो ये Amazon Basics वाला version है. So this helps guarantee कि हमें एक अच्छा USB classification का मिले. Make sure to सब इसने ही किया था. इसने मुझे links भेजे, मैंने order किया. Make sure to always get USB 3.0 or later. Maximum transfer speeds 400 megabits per second. ऐसा हर ग्रुप में ऐसा एक दोस्त होना चाहिए. So one last time मैंने अपना अगला व्लॉग इस लैपटॉप पे एडिट किया और अब मैं सारे फाइल्स यहाँ पर मूव करूंगा. हमने अभी अभी प्रीमियर प्रो इंस्टॉल किया है एंड अगर आपको पता नहीं है तो अगर आप एक स्टूडेंट हो आई हाईली रिकमेंड कि आप ये खरीदे. इससे आप अडोबी के कौन से भी एप्स एक डिस्काउंटेड प्राइस पे डाउनलोड कर पाओगे. सो लाइट रूम, फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो एंड सो ऑन. आर यू रेडी? आप लोगों को पता है ये जो है ना इट्स एक्चुअली काउंटिंग डाउन राइट. मेरे इस पे पहले 50 मिनट दिखाता है एंड देन इट इंक्रीजेस धीरे धीरे ऐसे बढ़ता जाता है. सच बताऊं तो मुझे लगा नहीं था कि मुझे एडिटिंग करते वक्त इतने सारे डिफरेंसेस नोटिस होंगे बट वाओ आई एम सुपर इम्प्रेस. ये एक छोटा सा वीडियो था बट द रीजन कि मैंने इसे फिल्म किया है क्योंकि मुझे ये बस यूट्यूब पे मेमोरीज के लिए रखना है. दैट इज व्हाट दिस चैनल इज अबाउट. मेरी लाइफ के जो भी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स या मोमेंट्स है वो मैं वीडियो पे कैप्चर करता हूँ और पूरी दुनिया के साथ शेयर करता हूँ. अगर आप ये वीडियो आज यानी 14 फेब को देख रहे हो डोंट वरी, एक और वीडियो कल आ रहा है. इट्स करंटली एक्सपोर्टिंग ऑन माई कंप्यूटर राइट नाउ. बट इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आया लीव अ लाइक, शेयर इट विद अ फ्रेंड एंड सब्सक्राइब अगर आप इस चैनल पे नए हो. हैव एन अमेजिंग डे, स्टे सेफ, टेक केयर. आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम.